मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो खा रहे हैं वो सेहतमंद भी ज़रूर हो। इसके लिए सब्जियों को अच्छी तरह से साफ करना और ढंग से पकाना काफ़ी ज़रूरी है। अमूमन हर सब्जी को साफ करने का एक ही तरीका होता है, मगर कुछ सब्जियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें साफ करने से लेकर पकाने तक का तरीका बेहद अलग होता है। मशरूम भी उन्हीं में से एक है। घर पर मशरूम की सब्जी को पकाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आसानी से पकाया जा सकता है, मगर मशरूम को साफ करने और स्टोर करने का तरीका जो होता है वो आसान नहीं होता। जी हाँ, अगर आपको सही तरीका पता हो तो आप मशरूम को अच्छी तरह से साफ करके स्टोर भी कर सकती हैं और पका भी सकती हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप इसे कैसे लंबे वक्त तक स्टोर करके रख सकते हैं। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि आप इसकी सफाई किस तरह कर सकते हैं। जब भी आप बाज़ार से मशरूम को लेकर आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हुई होती है। साधारण पानी से अगर आप मशरूम को वॉश करते हैं तो ये मिट्टी साफ नहीं होती है। ऐसे में मशरूम को साफ करने की एक खास ट्रिक होती है। मशरूम को साफ करने के लिए उस पर आपको थोड़ा सा मैदा डालना होता है। इसके बाद हाथों से एक एक मशरूम को स्क्रब करें और फिर साफ पानी से उन्हें धो लें। ऐसा करने पर मशरूम पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। वैसे मशरूम को साफ करने का एक और तरीका भी है। इसके लिए आपको मशरूम के ऊपर की स्किन को अपने हाथों से हल्का हल्का निकालना चाहिए, मगर इस तरीके को अपनाने पर आपको ज़्यादा वक्त लग सकता है। ऐसे में अगर आपको कम मशरूम साफ करने हैं तो आप इस तरीके को ट्राई कर सकते हैं। अब बात करेंगे मशरूम को स्टोर करने की। आमतौर पर सभी को इस बात की शिकायत होती है कि मशरूम बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फिर चाहे उन्हें फ्रिज के अंदर रखा जाए या फिर फ्रिज के बाहर। मगर यदि मशरूम को सही तरह से स्टोर किया जाए तो वो लंबे वक्त तक ख़राब नहीं होते हैं। दरअसल मशरूम में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए मशरूम के जल्दी ख़राब होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसीलिए इन्हें स्टोर करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जी हाँ, अगर आप मशरूम को कुछ दिन के लिए स्टोर करना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले मशरूम को उस पैकेट से हटाना होगा जिसमें वो पैक होकर आपको मिला है। इसके बाद एक एयर टाइट डिब्बे में आप टिश्यू को बिछाएं और फिर उसमें मशरूम डालें। अब आपको ऊपर से भी अच्छी तरह से टिश्यू पेपर लगाना है। इसके बाद डिब्बे को बंद करके फ्रिज के अंदर आपको रख देना है। इस तरह से आप हफ्ते 10 दिन तक मशरूम को आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बात करें अगर इसे पकाने की तरीके की, तो मशरूम को आप वैसे नहीं पका सकती जैसे आप दूसरी सब्जियों को पकाती हैं। बहुत से लोग मशरूम को उबालकर उसकी सब्जी बनाते हैं, मगर ये तरीका गलत है। इस तरह से मशरूम का स्वाद खराब हो जाता है। मशरूम को पकाने का बेस्ट तरीका है कि आप इन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद मक्खन में फ्राई करें, फिर आप इसमें मसाले भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से मशरूम के स्वाद को नुकसान नहीं पहुंचता और वो अच्छी तरह से पक भी जाते हैं। तो अगली बार से आप जब भी घर पर मशरूम पकाएं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। उम्मीद करते हैं मशरूम से जुड़ी ये खास जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को और जुड़े रहें जीवन कोश के साथ।